Thank you, Father. Bless you, Jesus. दोस्तों जय मसीह, आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज बारहवे दिन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों यकीन जानता हूं कि लगातार 11 दिन से आप सभी उत्पत्ति की किताब से परमेश्वर के अद्भुत अद्भुत वचन की जो स्टडी है आप उसको ले रहे हैं, सीख रहे हैं, और मैं जानता हूं कि बहुत बड़ा इंपैक्ट प्रभाव आपके आत्मिक जीवन पर पड़ रहा है। कल का जो विषय था या कल का जो स्टडी था 11वां दिन का, अद्भुत रहा। मैं खुद ब्लेस हुआ हूं, मैं खुद आशीषित हुआ हूं, और मैं समझता हूं कि परमेश्वर ने आपको भी बड़ी आशीष दी है। वचन, द वर्ड ऑफ गॉड, एक ऐसा हथियार है आत्मिक जीवन के लिए, ऐसा रोटी है, मन्ना है, भोजन है, आहार है, फूड है, जो आपको मजबूत करता है। और मैं समझता हूं कि वचन के आगे कुछ कोई भी चीज नहीं है, और सब कुछ परमेश्वर ने अपने वचन में रखा। भजन संहिता 148 वचन 2, सैम 138 एंड वर्स 2 लिखा है, उसने अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया। क्या बात है ना। चलिए दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, और मैं साथ ही साथ आपको कुछ चीजें जल्दी से बताता चलूं, क्योंकि आज भी 12वां दिन, टोटल 3रा अध्याय, पहला, दूसरा, तीसरा, जो कि टोटल 50 अध्याय में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे या हैं, जिसकी आज उत्पत्ति 3रा अध्याय को मैं समाप्त करने जा रहा हूं। जी दोस्तों, और क्योंकि आज 3रा अध्याय समाप्त हो रहा है, और मंडे से, क्योंकि कल संडे है, ऑनलाइन चर्च है, मंडे से अद्भुत एक और चैप्टर स्टार्ट होगा, और वो है 4था अध्याय। और आखिरी में, आज आखिरी में उसकी थोड़ी सी झलक आपको दूंगा कि वो चैप्टर भी अपने आप में कितना अद्भुत होगा, क्योंकि आदम पहली बार, आदम और हव्वा पहली बार अपने अदन की वाटिका से, सुपर नेचुरल उस वाटिका से बाहर निकलकर बिना परमेश्वर के फर्स्ट टाइम अपना पहला कदम इस जमीन पे रख रहे होंगे, और तब रखा था आज से 7000 पहले या 6000 साल पहले। उसकी क्या परिस्थिति थी, क्या क्या हुआ, और कैसे परमेश्वर ने, लूसीफर ने, उस एक व्यक्ति जिसका नाम है आदम, दोनों के बीच में था, क्या परिस्थिति बनी, सब कुछ बताऊंगा मंडे को। लेकिन आइए जल्दी से, मुझे दे दो, जल्दी से आवाज सुना दो, या परफेक्ट परफेक्ट। चलिए जल्दी से कुछ चीजें कर लेते हैं, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले मसी मंथन बैठक का जो पेज है, मैं वहां से आपके बीच में अभी लाइव आ रहा हूं, और साथ ही साथ मेरा जो पेज है मसी मंथन बैठक, माफ करें, डैनियल राज का जो पेज है, मैं वहां से भी लाइव आ रहा हूं आपके बीच में। बहुत सारे जो हमारे एडमिन्स हैं, वे भी अपने अपने पेज से शेयर करते हैं, और वहां से भी जितने लोग जितनी तादाद में जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं, देखते चले जाएं और परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप बैठक, जो कि पूरे भारत में नहीं बल्कि विश्व में भी चलता है, डाउनलोड करना है आपको टेलीग्राम ऐप को। इसका मतलब है कि इसी टेलीग्राम ऐप में मसीह मंथन बैठक जो है वो ग्रुप चलता है, जिसमें आज अभी जो करंट सिचुएशन है 1800 प्लस लोग जो हैं, मेंबर जो हैं, वो जुड़ चुके हैं, बन चुके हैं, आ चुके हैं, भारत नहीं पूरे दुनिया से। और उन सभी जो मसीह मंथन के बैठक के मेंबर्स अभी देख रहे हैं, चाहे फेसबुक, चाहे यूट्यूब, या जहां कहीं से भी आप लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी का जो है तहे दिल से 12वें दिन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों मसीह मंथन बैठक में जुड़ना कैसे है, जी आपको मैं उसका रास्ता बता देता हूं। सबसे पहले आपको टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना है, जी आपके स्क्रीन के ऊपर देख लीजिए, फिर उसके बाद में ये जो 3 नंबर है, और फिर ये जो 3 नंबर है, तो इसका मतलब है कि टोटल आपको 6 नंबर दिए। इस पे आपको कॉल करना है सुबह 10 से रात को 9 बजे तक। अगर ये फोन नहीं उठाते, एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा और ये आपको कॉल बैक करेंगे। नाउ दिक्कत यहां हो रही है, जो आज भी हुई, काफी लोग कॉल करते हैं और कहते हैं कि डैनियल भाई, जो मेरा नंबर है 777 लास्ट में, उस पे कॉल करते हैं और कहते हैं कि हमको मसीह मंथन में जोड़ना है, हमको जोड़ दो। मैं फिर कहता हूं, मुझे कॉल नहीं करना है, आपको इन नंबरों पे कॉल करना है, ये 3 नंबर, ये 3 नंबर,
बाद में इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके कॉल कर सकते हैं। चलिए साथ ही साथ मैं कल से एक नई चीज बोल रहा हूं, आज भी बोलना चाहता हूं कि जितने भी पास्टर्स हैं पूरी दुनिया में, जितने भी पास्टर्स हैं पूरी दुनिया में, आप सभी को मैं यानी कि डैनियल राज, मैं आप सभी का वेलकम करता हूं मसीह मंथन बैठक वर्ल्ड ग्रुप में जुड़ने के लिए। जी दोस्तों, जितने भी पास्टर्स हैं, आप पास्टर पुरुष हैं, पास्टर महिला हैं, पास्टर मेल एंड फीमेल, आप जो भी हैं, जहां कहीं से, जिस किसी भी कंट्री से, जिस किसी भी डिनोमिनेशन से, बशर्ते कल्ट ग्रुप नहीं होना चाहिए जैसे यहोवा विटनेस, माता यरूशलेम, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो कोरोडिया से चलता है, इल्यूमिनाटीज और साथ ही साथ और भी पता नहीं कितने कल्ट ग्रुप होंगे, उनको छोड़कर जो ट्रायून गॉड और साथ ही साथ कंप्लीट बाइबल द वर्ड ऑफ गॉड के ऊपर विश्वास करती है, जिब्रिश वाले नहीं, टंग्स जिब्रिश वाले नहीं, ऐसे लोगों को नहीं, बाकी सारे पास्टरों का मैं वेलकम करता हूं एमएमपी वर्ल्ड ग्रुप में। आपको जुड़ने के लिए आपका स्वागत है। नाउ अब जो स्लाइड आप देखोगे, बड़े ध्यान से देखिएगा, लिखा है कि जिन भाई बहनों के पास कलीसिया नहीं है, वे मसीह मंथन जो ऑनलाइन चर्च है, उन सभी का मैं उसमें स्वागत करता हूं। जितने भी मसीह भाई बहन हैं, उन सभी का मैं जो हूं क्या कहते हैं मसीह मंथन बैठक में स्वागत करता हूं। नाउ साथ ही साथ मैंने अभी आपसे कहा था कि आप जितने पास्टर्स हैं, मैं आपका वर्ल्ड ग्रुप में स्वागत करता हूं जो एमएमबी वर्ल्ड ग्रुप है, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक विशेष करके जो महिलाएं जो खास करके सेवा करना चाहती हैं, उन सभी का भी मैं आपका स्वागत करता हूं, विशेष करके मसीह मंथन बैठक वर्ल्ड ग्रुप ऑनलाइन चर्च के जो ग्रुप है उसमें आपका मैं स्वागत करता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं वापस से आपको बता दूं कि जितने भी पास्टर्स हैं मेल या फीमेल, लेकिन खास करके महिलाएं, क्योंकि मुझे काफी कॉल्स आते हैं और वे कहती हैं कि पास्टर डैनियल हम सेवा करना चाहते हैं, हमको परमेश्वर का बोझ आ रहा है, लेकिन जो डिनोमिनेशन है वो हमें सेवा करने नहीं देती। तो ऐसी महिलाएं या साथ ही साथ जिनकी शादी हुई या जिनकी शादी नहीं हुई, उन सभी को मसीह मंथन के बैठक के प्लेटफॉर्म से आपको सेवा करने का, परमेश्वर के उस प्लेटफॉर्म से आपको, परमेश्वर उस प्लेटफॉर्म से आपको मौका देने जा रहा है जहां आप सेवा कर सकती हैं। आप जैसा चाहें सेवा कर सकती हैं, ऑनलाइन कर सकती हैं, वन टू वन बेस पे कर सकती हैं, कॉल पे कर सकती हैं, जैसा ठीक लगता है। आपको अगुवाई करता है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, कुछ परिस्थिति ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको सेवा करना है, आप लोग जरूर कर सकते हैं। नाउ साथ ही साथ मसीह मंथन बैठक वर्ल्ड ग्रुप ऑनलाइन चर्च के कुछ जो क्या कहते हैं लैंग्वेजेस में कल से स्टार्ट होगा, उसकी जो समय की जानकारी आपके बीच में रखना चाहता हूं, जो कि आज पहली बार रख रहा हूं, पंजाबी चर्च मसीह मंथन बैठक का वो स्टार्ट होगा कल सुबह संडे 8 PM to 9 PM। फिर उसके बाद में तेलुगु चर्च स्टार्ट होगा 9 AM to 10 AM संडे, मराठी चर्च 11 AM to 12 PM संडे यानी कि कल, बंगाली चर्च 12 PM to 1 PM, तमिल चर्च 3 PM to 4 PM, इंग्लिश चर्च 4 PM to 5 PM, कन्नड़ा चर्च 6 PM to 7 PM, और जो कि बहुत जल्दी नेपाली चर्च स्टार्ट होगा, और फिर नेपाली चर्च का मैं समझता टाइम ऑब्वियस होगा 7 से 8, और हिंदी चर्च यानी कि मैं आपको कल फिर दिखाई दूंगा लेकिन चर्च के हिसाब से 8 PM to 9 PM। और कल जैसे पिछले हफ्ते हमने वर्शिप करी थी और प्रभु के एक दास आए थे, उन्होंने वर्शिप करी थी पास्टर स्टैनली, लेकिन कल यानी कि कल संडे एक मेरे अच्छे मित्र हैं और उनका नाम है, नागपुर से हैं ये, और इनका नाम है विक्टर बेंजामिन, जो वर्शिप करेंगे, उनके साथ में हम सब मिलकर जो है आराधना स्तुति करेंगे और फिर उसके बाद में परमेश्वर का वचन सुनेंगे। तो ये टाइम टेबल की स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा दोस्तों, जी ले लीजिएगा। नाउ साथ ही साथ आपके बीच में कुछ डिसिप्लिन जो 50 दिन हम आपके बीच में स्टडी दे रहे हैं, आज का दिन पकड़कर 12वां दिन हो चुका है, माफ करें चल रहा है, अब बचे कुछ 38 डेज जो है उसमें कुछ डिसिप्लिन आपसे अपेक्षा रखते हैं, और वो डिसिप्लिन में नंबर 1 पे है, आप सभी को टाइम पर आना है। जी आप सभी को टाइम पर आना है, जी सभी को टाइम पर आना है। दूसरा, नोट्स बनाना है। आप जब सीख रहे हैं मुझसे, ऑनलाइन सीख रहे हैं, नोट्स बनाइए, आप लिखिए, वचन लिखिए, पॉइंट्स लिखिए, और साथ ही साथ परमेश्वर का धन्यवाद हो आप सभी के लिए विजुअल्स स्क्रीन के ऊपर सब कुछ रखता हूं,
उसको भी आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लेकर स्टडी कर सकते हैं। और तीसरा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है गंभीरता से सीखना। मजाक में नहीं सीखना है, हंसी खेलते हुए नहीं सीखना है। बच्चे घर में खेल रहे हैं, आप ऑनलाइन देख रहे हैं और आपका ध्यान कहीं और है, कॉल्स आ रहे हैं, नो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। आपको बड़ी गंभीरता से परमेश्वर के वचन को सीखना है। तो तीन पॉइंट्स हैं जो कि डिसिप्लिन के कैटेगरी में आते हैं। टाइम पर आना है, नोट्स बनाना है और गंभीरता से सीखना है। नाउ दोस्तों, आज का जो वचन है मैं उसके ऊपर आ जाता हूं, जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे, और वह है उत्पत्ति का किताब, उसका तीसरा अध्याय आपके बीच में रखने जा रहा हूं, और वो है वचन 14। ये नंबर भी डाल देता हूं साथ ही साथ, लगे हाथ देख लीजिएगा, कुछ सेकंड के लिए रख रहा हूं जी। मुझे नहीं समझ में आता ये दिखता क्यों नहीं है, नंबर दिखता क्यों नहीं, क्या चक्कर है? नहीं, बाकी लोग के इसमें दिखता है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि 900 होने में अभी कुछ 15 या 20 लोग ही बचे हुए हैं, जल्दी से आ जाएं, 900 हो जाएं, ताकि मैं अपनी जो गाड़ी है आगे बढ़ा सकूं। जी दोस्तों, इस नंबर पे आपको मुझे कॉल करना है कल 2 से शाम 6 बजे तक, 9898338335777, इस पे आपको कॉल करना है। चलिए दोस्तों, आज का जो वचन है, अपनी स्टडी नोट्स पैड आप जो भी लिखते हैं रेडी कर लीजिएगा, आप लोग का सब कुछ सेटल कर लीजिएगा, चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, XYZ सब कुछ सेटल कर लीजिएगा। उत्पत्ति 3:14 का वचन आपके बीच में रखने जा रहा हूं, और मैं समझता हूं कि सिर्फ 9 लोग बचे हैं, जैसे ही 9 लोग आ जाते हैं आपके बीच में इसका वचन जो है रखना शुरू करूंगा। तो वो जो 9 लोग हैं, 10 लोग हैं, जल्दी से आ जाए। जी दोस्तों जी, और साथ ही साथ जितने YouTube पर हैं आपका भी वेलकम करता हूं। आप लोग जितनी तादाद में जुड़ते हैं, देखते हैं, आप सभी का स्वागत है। और साथ ही साथ शेयर करिए। मैं एक और चीज आपको बता दूं, जो आज मैं किसी से बात कर रहा था और मैंने उनसे कहा था, आप जब मेरे क्या कहते हैं मैसेजेस को फॉरवर्ड करते हैं या अप्रोच करते हैं, रिकमेंड करते हैं, क्या कहते हैं उसको, हिंदी शब्द क्या है, कहते हैं कि मेरे मैसेज को देखो, तो आपका जो तरीका होता है ना बोलने का, टोन, वो दो तरह का होता है। कभी कभी हम कैजुअली कहते हैं यार, है ना, देख लो डैनियल राज का कोई मैसेज आ रहा है, देख लो। एक होता है ये तरीका, दूसरा होता है कि उनके ऊपर प्रेशर डालना, जबरदस्ती करना। क्यों, मैं आपको बताता हूं। वो इसलिए क्योंकि खरी शिक्षा, मुझ जैसे 10% लोगों की खरी शिक्षा, जिनको मैं भी अप्रिशिएट करता हूं, ऐसों की खरी शिक्षा लूसीफर सुनने नहीं देगा। लेकिन जब किसी दीवार को तोड़ना होता है, आप हल्का फुल्का मारिए नहीं टूटेगा, जोर से मारना पड़ता है, दमदार मारना पड़ता है। वैसे ही लूसीफर के ये जो स्ट्रांग होल्ड्स है ना, इसको जोर से मारना पड़ता है। तो प्रेशर डालिए, उनको कहिए। आज एक बहन का फोन आया था, कैथलिक बहन थी वो, शायद वो देख भी रहे होंगे और 900 लोग भी जुड़ गए। वो कह रहे थे कि पास्टर डैनियल, कैथलिक लोगों के बीच में आपका जो वीडियो है, मैं जबरदस्ती और जानबूझ के और मैं फिर से शेयर करती हूं, वो इसलिए क्योंकि सही वचन, खरी शिक्षा उनके पास में जानी चाहिए। नाउ यीशु एक है, यीशु की स्टोरी एक है, यीशु की जितनी घटनाएं घटी वो एक ही बार घटी, लेकिन आपको पता है 4 किताबों में। ऐसा क्यों? ताकि यहां से संतुष्टि नहीं तो वहां से, मती से नहीं तो मरकुस से, मरकुस नहीं तो लुका नहीं तो यूहन्ना, ऐसे करके 4 किताबें लिखी हैं। इसको कहते हैं कि 4 तरीके से, चारों खाने चित, और ताकि वचन जो है लोगों तक पहुंचे। तो मैं समझता हूं आप लोग जो हैं, लोगों को कहें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, अगर पहली बार जुड़े हैं आइकन बेल दबा लें, उनको भी सलाह दें, और ऐसे करते हुए हम जो है खरी शिक्षा के साथ आगे बढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं समझता हूं कि समय हो चुका है, अब आपके बीच में आज का जो वचन है मैं रखने जा रहा हूं, और वचन है, सबसे पहली लाइन यहां से स्टार्ट हो रहा है, जितने लोग हैं यहां से स्टार्ट हो रहा है। वापस कहता हूं, उत्पत्ति 3:14, जो कि कल आपको बहुत कुछ बताए थे, वापस नहीं जाऊंगा, नहीं तो आज का जो मेरा टाइम है वो चला जाएगा। डायरेक्ट वचन 14 से स्टार्ट कर रहा हूं। लिखा है कि तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, ब्रैकेट देख लीजिए या स्पॉट देख लीजिएगा, लिखा है कि तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, यानी कि शैतान से कहा। क्या कहा देखिए, लिखा है, तूने जो यह किया है इसीलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। अब दोस्तों, इस वचन को, जी कुछ लोग वचन डाल रहे हैं मसीह मंथन के ग्रुप वाले, अप्रिशिएट करता हूं। नाउ इस वचन को 27 साल से
बहुत प्रचार किया हूं, साथ ही साथ बहुत पढ़ा हूं, साथ ही साथ सुना हूं, साथ ही साथ आप लोग भी पढ़े सुने और बोले होंगे, लेकिन आज इस एक वचन का अद्भुत अद्भुत प्रकाशन आपके बीच में देने जा रहा हूं। सबसे पहले यहां पे तीन बातों को समझना होगा, कौन सा, एक ये यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, दूसरा तू पेट के बल चला करेगा, तीसरा जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। जी दोस्तों, ये जो तीन लाइन है इसको सबसे पहले समझना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा। अगर आपको याद होगा, सबसे पहले परमेश्वर ने आदम से पूछा, आदम ये फल क्यों खाया? दूसरा हवा से पूछा, तूने ये क्या किया? लेकिन जैसे ही लूसीफर की बात आई, परमेश्वर ने नहीं पूछा तूने ये क्या किया, उसने नहीं पूछा ये क्या कर दिया, उसने नहीं पूछा क्यों खिलाया, उसने नहीं कहा ये सारी बातें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को पता था ये ऐसा आदमी है जिसका नाम है लूसीफर, जिसका नाम है इबलीस, जिसका नाम है बालजबुल, जिसका नाम है सैतान, जिसको कहते हैं डेविल, जो भी है, ये व्यक्ति को मौका नहीं है मन फिराने का। मन फिराने का मौका आदम को है, हवा को है, पश्चाताप करने का मौका उन दोनों को है, लेकिन सर्प को नहीं है। तो इनको डायरेक्ट जजमेंट या डायरेक्ट न्याय या डायरेक्ट आदेश, जिसके लिए परमेश्वर ने कहा, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा। इसका मतलब है यहां परमेश्वर ने पूछा नहीं कि तूने ये क्या किया, देख लीजिए आपके स्क्रीन के ऊपर, नहीं पूछा। और यह बात साबित करती है कि यहां लूसीफर को चांस नहीं है, यहां लूसीफर को चांस नहीं है। अब कुछ लोग जब पढ़ते हैं तो उनके दिमाग में सबसे पहला, यहां तक कि मेरे खुद के घर के बच्चे भी पूछे, ये सांप है कि शैतान है, सांप का चक्कर शैतान का चक्कर, कम ऑन, ये सारी बातें आपके बीच में ये दो चित्र रख रहा हूं, अब कुछ लोग कहते हैं, क्या परमेश्वर ने सांप को कहा कि पेट के बल चलेगा? क्या परमेश्वर ने सांप से कहा कि तू मट्टी चाटेगा? बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर यहां पे दो चित्र हैं, एक है लूसीफर का, दूसरा है नेचुरल बीइंग, नेचुरल जिसको परमेश्वर ने कहा सर्पेंट सांप, वो है। अब साथ ही साथ उसके ठीक मुंह पे अपोकलिप्टिक लिखा है, इसका मतलब है दृष्टांत, ये एक चिन्ह के रूप में परमेश्वर यहां पर बात कर रहा है, क्योंकि यहां शैतान था सांप नहीं, यहां शैतान था सांप नहीं। अब आप कहोगे पास्टर डैनियल, बड़े ध्यान से सुनना, अब आप कहोगे पास्टर डैनियल तो पेट के बल चला करेगा, ये क्या है पेट के बल चला करेगा? मैं आप सभी से पूछता हूं, सांप को पंख नहीं थे, सांप को पैर नहीं थे, ऐसा किसी प्रकार की रचना, किसी प्रकार का क्या कहते हैं वचन नहीं है, लेकिन वापस कहता हूं अपोकलिप्टिक है चिन्ह के रूप में। तो यहां पे अब लिखा है तू पेट के बल चलेगा, तो ऑब्वियस नेचुरल है कि उसको कहा कि तू पेट के बल चलेगा सांप को, लेकिन मैंने अभी कहा ये अपोक्लिप्टिक है चिन्ह के रूप में। अब जरा मजा लीजिए इसका मतलब क्या है। वापस कहता हूं कि परमेश्वर, वो उत्पत्ति की किताब हो, द बुक ऑफ डैनियल हो, रेवलेशन हो, या चार किताब मत्ती मरकुस लूका योना, ये सभी जगहों पर यीशु यहोवा दृष्टांत चिन्ह उदाहरण के रूप में बात करते हैं, पेट के बल चलेगा, पेट के बल चलेगा। लेकिन प्रश्न उठता है कहां, यह मजा आएगा सर आप लोगों को, लिखा है तू पेट के बल चलेगा लेकिन कहां? आप सभी को पता है कि लूसीफर को नीचे फेंका गया, वो यशायाह की किताब हो 14 अध्याय, यज़कएल की किताब हो 28 अध्याय, इन दोनों जगहों पर मैं पीछे से बताते आ रहा हूं कि इसको नीचे फेंका गया। तो लिखा है कि ये पेट के बल चलेगा, इसका मतलब है ये पृथ्वी पर चलेगा मनुष्यों के बीच में। देख लीजिए, जैसे ही परमेश्वर ने कहा कि तू पेट के बल चलेगा, इसका मतलब है तू मट्टी में चलेगा। जल्दी से निकाल के रखो वचन को, मैं रिपीट करता हूं कि तू पेट के बल चलेगा, इसका मतलब है कि तू पृथ्वी पर चलेगा। क्या क्या है ऊपर आकाश में, कितने सारे गैलेक्सी हैं जिसकी सर्च अभी कर रहे हैं, आपका अर्थ है, आपका मार्स है, आपका जुपिटर है, मदद करो, और क्या है ऊपर, और क्या क्या है, क्या है नेपट्यून है, और क्या है वीनस है, और क्या है
चलिए ये सभी चीजें, और इसमें से परमेश्वर ने लूसीफर को कहा, वापस फोटो दिखाता था, लूसीफर को कहा कि तू पेट के बल चलेगा, इसका मतलब क्या है तू जमीन पे चलेगा, जमीन का मतलब क्या है तू पृथ्वी पे चलेगा, और पृथ्वी पे कहां चलेगा मनुष्यों के बीच में, क्यों, अगला लाइन बताता हूं क्यों, मैं आपको बताता हूं, लेकिन उसके पहले आपके बीच में एक वचन रख देता हूं, मत्ती की किताब उसका 13:25-30, जी मत्ती की किताब उसका 13:25-30, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 13:25-30, मेरी लड़की पढ़ेगी सलोमी, आइए सुनते हैं जी। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज जंगली बीज बोकर चला गया जी। जब अंकुर निकले और बाले लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था, फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर ले? उसने कहा, नहीं, ऐसा न हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। That's it. लिखा है कटनी तक दोनों को एक साथ रहने दो, और फिर आगे लिखा है जो कि मैंने रोक दिया, आगे लिखा है वचन 30 तक में कि फिर जब न्याय का दिन आएगा, द डे ऑफ जजमेंट, अच्छे गेहूं को, अच्छी बीज को अलग करेंगे, जंगली बीज को अलग करेंगे, अच्छे बीज को परमेश्वर के राज्य में जंगली बीज को जलाएंगे। तो इसका मतलब है कि तू पृथ्वी पर चलेगा, पेट के बल चलेगा। मैं वापस कहता हूं, अपोकलिप्टिक है, चिन्ह के रूप में आपको देखना होगा। अब यहां लिखा है तू पेट के बल चलेगा, पृथ्वी पर चलेगा, मनुष्यों के बीच में रहेगा, और इसका मतलब है कि यीशु मसीह मत्ती 13:25-30 तक में कहते हैं कि जंगली बीज भी यहां पर है, अच्छे बीज भी यहां पर है, शत्रु की संतान भी यहां पर है, परमेश्वर के संतान भी यहां पर है। वाओ, सी दैट। तो इसका मतलब है कि कम से कम हमको इससे यह पता चलता है कि लूसीफर की बात हो रही है, सांप की नहीं, क्योंकि यहां पे सांप की गलती नहीं है, यहां पे लूसीफर की गलती है। आप जब बाइबल पढ़ते हैं आपको सांप दिखता है, आत्मिक दृष्टि से सारा खेल शैतान का है, सारा खेल शैतान का है। तो यहां यीशु ने, परमेश्वर यहोवा ने कहा कि तू पेट के बल चलेगा, कहां, पृथ्वी पर, कहां, पृथ्वी पर, मनुष्य के बीच में। क्यों? क्योंकि मत्ती 13:25-30 तक कहता है कि दोनों साथ में रहेंगे, और कटनी तक का यह सिस्टम है, और जो कि मैं बताऊंगा आपको जब चौथा अध्याय आएगा। फिर लिखा है कि जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। अब हिंदी में मुझे नहीं पता कि जो ट्रांसलेट करे थे उनसे यह गलती कैसे हो गई, क्योंकि इंग्लिश KJV वर्जन कहता है, एंड डस्ट शैल दाउ ईट ऑल द डेज ऑफ द लाइफ, दाई लाइफ, पूरी जिंदगी तू मट्टी खाएगा, ईट लिखा है, एंड डस्ट शैल दाउ ईट ऑल द डेज ऑफ thy लाइफ, तेरी पूरी जिंदगी तू मट्टी खाएगा। इसका मतलब क्या है, बड़े ध्यान से सुनेगा, परमेश्वर ने आदम को किससे बनाया, मट्टी से। और मैंने आपको अभी कहा था कि तू कहां चलेगा, मनुष्यों के बीच में, पृथ्वी पर चलेगा, पेट के बल चलेगा, मतलब तू मनुष्यों के बीच में चलेगा। ये बातें आत्मिक है, समझना जरूरी है, और मनुष्यों को खाएगा, मनुष्यों को खाएगा, मिट्टी को खाएगा। अब जरा ध्यान से सुनिए, जितने भी नेशनल ज्योग्राफी, डिस्कवरी, और जितने भी जीव जंतुओं का जो नॉलेज रखते हैं, मेरा लड़का नथानिया लड़का रखता है, 12 साल का शायद हो गया, 12 साल वो रखता है, और उसने मुझसे कहा कि पापा 3,500+ स्पीसीज हैं स्नेक के, 3,500, नॉट 3,500, माफ करिए 35,000, आप गूगल में सर्च करो, नहीं उसने मुझे कल का 35,000 है, चेक करो, 3,500 भी ज्यादा है, 35,000 तो गजब है, सांप की स्पीसीज है, और इसमें से एक भी जाति का, सांप का जाति मट्टी नहीं खाता। सांप, आपने कब देखा मट्टी खाते हुए सांप को, कितना है 3,000+, ओके, आप गूगल पे चेक कर लीजिए, क्योंकि हमारी टीम यहां पर वही काम कर रही है। कैन यू बिलीव दिस? तो इसका मतलब है कि ये जो सांप है, आपको फिर से दिखा देता हूं, ये जो सांप है ये मट्टी नहीं खाता, इस तरफ वाला, ये मट्टी नहीं खाता।
फिर इस तरह वाला जो लूसीफर है उसकी बात हो रही है कि तू पेट के बल चला करेगा मनुष्यों के बीच में। फिर कहता है ये वाला जीवन भर मट्टी चाटता रहेगा, मतलब इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है एंड डस्ट शैल दाउ ईट ऑल द डेज ऑफ थाई लाइफ, इसका मतलब है मनुष्यों को खाएगा। पास्टर डैनियल आपके पास कोई रेफरेंस है? जी हाँ, पहला पत्रस का 5:8 लिखा है, सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सी की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। शब्द देखिए खाए। तो इसका मतलब है, बड़े ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब है कि परमेश्वर ने सांप को कहा नहीं कि तूने ये क्या किया, उसने सीधा जजमेंट सुना दिया कि अब ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि आदम और हवा ने खुद को लूसीफर को समर्पित कर दिया। अब लूसीफर का ये जजमेंट है मनुष्यों के ऊपर, और इसकी सिलसिला में चौथे दिन यानी कि मंडे को भी करूंगा, चौथे चैप्टर में माफ करें मंडे के दिन करूंगा, और वो मनुष्य को कैसे खाएगा मैं चौथे अध्याय में भी बताऊंगा। इसको ध्यान रखिएगा, लिखा है मट्टी के बल चलेगा, माफ करें ये मट्टी के बल चलेगा, मट्टी चाटेगा हिंदी कहता है, और इंग्लिश कहता है कि मट्टी खाएगा। और सांप मट्टी नहीं खाता, 3,000+ स्पीसीज है सांप के, लेकिन उसके बावजूद भी वो मट्टी कभी नहीं खाते। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर यहां पर बात कर रहा है लूसीफर की। अब जरा सोच के देखिए, जरा ये चित्र देख लीजिए, अब जरा सोच कर देखिए, तब से लेकर आज तक शैतान का एकमात्र टारगेट कौन रहा है? मनुष्य ही रहा है। देख लीजिए आपके स्क्रीन के ऊपर, उसका एकमात्र टारगेट मनुष्य ही रहा है। इसका मतलब है कि शैतान का सबसे बड़ा आहार, शैतान का सबसे बड़ा खाना मनुष्य ही है, और वो क्या चाहता है? मनुष्य को टारगेट बनाए, जितनी तादाद में उसको वो नाश कर सके वो नाश करने की कोशिश कर रहा है। जितने लोग अभी देख रहे हैं, मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं, ऐसे मैसेजेस दुनिया को पहुंचाइए, ऐसे मैसेजेस शेयर करिए, अविश्वासियों को शेयर करिए, ताकि उन तक पहुंचे। ये थी वास्तविकता, क्योंकि लूसीफर ने ही सारा खेल बिगाड़ा है। आज आपका अमेरिका हो, जो कि वर्ल्ड का नंबर वन कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एवरी एरिया, उसके बावजूद भी लूसीफर खा रहा है उसको। आपका अफ्रीकन कंट्री, लूसीफर खा रहा है उसको। एशिया कंट्री, लूसीफर खा रहा है। टाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो, रोडपति हो, करोड़पति, ऐसे वाले वैसे वाले पैसे वाले, बाइबल कहती है कि उनको सबको सांप खा रहा है। ये कैसे खा रहा है? क्योंकि उसका टारगेट तब से लेकर आज तक एक ही टारगेट है, एकमात्र टारगेट है, और वो है मनुष्य। प्रकाशित वाक्य 12:9 देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इबलीस और शैतान कहलाता है, सारे संसार का बरमाने वाला, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। ब्लैक स्पॉट में लिखा है कि सारे संसार का बरमाने वाला, इसका मतलब है कि पूरी दुनिया को कौन खा रहा है? ये लूसीफर। पूरी दुनिया को कौन खा रहा है? ये लूसीफर। इसका मतलब क्या है दोस्तों? अब आपके बीच में मैंने ये वचन रखा है, उसके ठीक अपोजिट में 2 कुरिन्थियों 4:4, 2 कुरिन्थियों 4:4 लिखा है कि उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। सी दैट? ये क्या है? तब से लेकर आज तक, और जब तक मसीह नहीं आ जाता, जब तक कलीसिया उठा ले ही नहीं जाती, और तब तक जब तक यीशु मसीह का मिलेनियम ईयर नहीं आ जाता, यह लूसीफर का आहार मनुष्य ही है। अब यहां धर्म का चक्कर नहीं है, यहां पे रिलीजन्स का चक्कर नहीं है, यहां चक्कर है इंसान का। और लूसीफर कुछ नहीं देखता, तुमने काला कपड़ा पहना है, सफेद कपड़ा पहना है, आपका ऑरेंज कपड़ा पहना है, ग्रीन कपड़ा पहना, आगे आप समझदार हैं, इसका कोई चक्कर नहीं है। इसका चक्कर एक ही है, मनुष्य, दैट्स इट, पुरुष स्त्री जो भी इंसान है। अब प्रकाशित वाक्य 2:10 क्या कहते, देखे, जो दुख तुझको झेलने होंगे, किसके सामने? इस आदमी के सामने, क्योंकि ये मट्टी चाटेगा ना, ये मट्टी खाएगा ना, और ये हमारे बीच में ही रेंग रहा है। अब इसके लिए प्रकाशित वाक्य 2:10 में यीशु ने क्या कहा पता है? जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान, सीरियस, देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा, प्राण देने तक विश्वासी रहे, लिखा है तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। इसका मतलब क्या है? अविश्वासी को भी टारगेट, विश्वासी को भी टारगेट, हम मसीह लोग जो पृथ्वी पर हैं हमको भी टारगेट, कलीसिया को भी टारगेट, ये किसी को नहीं छोड़ता। इसके अंदर दिल नहीं है, इसके अंदर रहम नहीं है, इसके अंदर क्या कहते हैं, दया नहीं है। ये ऐसा है, और ये कहां से निकला? परमेश्वर ने कहा तू मिट्टी खाएगा, तू मिट्टी खाएगा।
ये इंसान को खाता है सर। ये इंसान को खाने का मतलब क्या, मैं आपको बताता हूं। लेकिन पहले ये वचन को पढ़ते हैं, प्रेरितों की किताब उसका 14:22 लिखा है, चेलों के मन को स्थिर करते रहे, पौलुस की बात हो रही है, और यह उपदेश देते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना हो। क्लेश का मतलब क्या है? क्लेश का मतलब है दुख उठाना, यीशु की सेविकाई के लिए दुख उठाना, संसार के अंदर दुख उठाना। आज मसीह की देह को चारों तरफ से जूझना पड़ रहा है, आज मसीह के देह को चारों तरफ से जूझना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है? मसीह के देह को चारों तरफ से जूझना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि हर जगह से, आपके बीच में कुछ चीजें रख रहा हूं, अविश्वासियों से जूझना पड़ रहा है, विश्वासियों से जूझना पड़ रहा है, डिनोमिनेशन से जूझना पड़ रहा है, फॉल्स प्रीचर्स एंड टीचर्स से जूझना पड़ रहा है, झूठे मसीह भाई बहनों से जूझना पड़ रहा है। 2 Corinthians 11:23-27 निकाल के रखो, 2 Corinthians 11:23-27 जी मैं वापस कहता हूं, विश्वासी अविश्वासी डिनोमिनेशन फॉल्स प्रीचर टीचर्स और झूठे मसीह भाई बहनों से जूझना पड़ रहा है। इन सभी जब हम बाहर, इसलिए यीशु ने, माफ करें, पौलुस ने क्या कहा, हमें बड़े दुख उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना, बड़े दुख उठाकर। ऐसा क्यों? इसका मतलब है कि जब हम परमेश्वर का प्रचार करने जाएंगे, लूसीफर नहीं छोड़ेगा, अविश्वासियों के द्वारा टारगेट करेगा। समझ में आता है? अविश्वासी नहीं जानते ना सत्य क्या है, अविश्वासी नहीं जानते परमेश्वर क्या है, वो नहीं जानते ना। इसके चलते अब प्रश्न ये उठता है कि उनको नहीं मालूम कि सच्चाई क्या है, वो अनजान है, लेकिन विश्वासियों का क्या? ये तो सत्य को जानते, ये डिनोमिनेशंस का क्या? ये तो सत्य को जानते, फॉल्स प्रीचर को झेलना पड़ रहा है, टीचर्स को झेलना पड़ रहा है, और झूठे मसीह भाई बहनों को झेलना पड़ रहा है। फॉल्स प्रीचर्स और टीचर्स से मेरा मतलब आप समझ गए होंगे, बाइबल कहती कुछ और है, सिखाते कुछ और है, लिखा कुछ और होता है, पढ़ाते कुछ और है, इंटरप्रेट का तो बेड़ा गर्क कर दिया है, कॉन्टेक्स्ट को तो स्टडी नहीं करते, क्या कहते हैं, लैंग्वेजेस को भी स्टडी नहीं करते, और जो सीख कर आता है मुझ जैसे 10% लोग, हमको कहते हैं कि ये गलत प्रचारक है। देखिए क्या हो रहा है आजकल, परिस्थिति क्या है मालूम है? एक वक्त था शीप कहता था वुल्फ को कि इससे बचो, आजकल क्या चल रहा है मालूम है? वुल्फ कह रहा है शीप को कि इसको आने मत दो। मतलब वुल्फ जो है हमारा विरोधी है, जबकि शीप को विरोध करना चाहिए वुल्फ का। यह परिस्थिति हो गई आज, आगे आप समझदार हैं। और ऐसी शिक्षाएं जो बाइबल के अंदर नहीं है, जैसे कि महिलाओं को सेविकाई करने से रोक देना, जिब्रिश को लेकर आ जाना जैसे गाय का बछड़ा, मैं यहां पर थोड़ा स्ट्रांगली बोलूंगा, गाय का बछड़ा कभी ईश्वर नहीं बन सकता जो मूसा के भाई ने, हारून ने बना दिया, और कम से कम 600,000 लोग अंधभक्त की तरह या फिर अंधे बनकर उसके पीछे चलने लगे। और ऐसे ही आज भी परिस्थिति है। अब यहां प्रश्न उठता है कि चारों तरफ से आज मसीहों को यह दुख का सामना करना पड़ रहा है, इसको पौलुस कैसा कहता है, आइए देखते हैं 2 Corinthians 11:23-27, आइए सुनते हैं जी 2 Corinthians 11:23-27 पौलुस की दुख भरी सेविकाएं जी। 2 Corinthians 23:23-27 जी, क्या वे ही मसीह के सेवक है? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ, अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेंते खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैंने चढ़ा था टूट गए, 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा, मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के जोखिमों में, झूठे मसीह भाई बहनों के जोखिमों में। मतलब पहनते हैं मसीह वाला कपड़ा, शीप वाला, लेकिन अंदर से वुल्फ है। ऐसे झूठे मसीह भाई बहन, कभी किसी को धोखा तो कभी किसी को धोखा, ना इसके साथ ठीक है ना उसके साथ ठीक है। आज मुझे 2-3 कॉल आए और कहा कि आकर उन्होंने कहा कि पास्टर डैनियल, हमारे चर्च का पास्टर आए, एक्स वाई जेड नाम तो खैर मैं लेता नहीं हूं, और कहा कि डैनियल राज की वीडियो मत देखो। बोला क्यों? बोला कि वो गलत सिखाते हैं। तो इसने कहा कि अगर वो गलत सिखाते हैं तो साबित करो, साबित नहीं कर पाए। और मैं तो कहता हूं अब आप लोगों को भी होशियार होना होगा कि कैसे किसको जवाब देना है। अंटिल अनलेस वचन सही है, वीडियो सही है, मैं सही हूं, और जो कॉन्टेक्स्ट है वो सही है जी, मैं खुद कह रहा हूं।
आपको जैसे ही पता चलता है कि यहां गड़बड़ है बोलिए, लेकिन अगर सही है स्टैंड लीजिए, मजबूती से खड़े रहिए, वो चाहे कोई भी तुर्रम खान हो, मजबूती से खड़े रहिए जी। झूठे मसीह भाई बहनों के जोखिम है, आगे बढ़िए। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, हाँ। भूख प्यास में, हाँ। बार बार उपवास करने में, हाँ। जाड़े में उगाड़े रहने में जी। और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, और ऐसी बहुत सारी बातें जिनका वर्णन मैं नहीं करता जी। सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती 28 पढ़ रही हैं आप, राइट नाउ। प्रतिदिन कलीसियाओं की चिंता मुझे सताती है। ऐसा व्यक्ति था ये पौलुस, कहता है कि दुख में सुख में मैंने कैसे कैसे दिन काटे। याद रखो पौलुस है ये जिसने कम से कम न्यू टेस्टमेंट का 60-70% किताब इसने खुद लिखी है। ऐसा व्यक्ति, और आजकल क्या चल रहा है, प्रोस्पेरिटी प्रीचिंग, मोटिवेशनल प्रीचिंग, आपको ब्लेसिंग कैसे मिलेगी 10 पॉइंट, आपको आशीष कैसे मिलेगी 7 पॉइंट, क्या लगा के रखा है। हमको आशीष चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, हमको खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, घर चाहिए, सब चाहिए, लेकिन ये चीजों के पीछे भागने नहीं बोला है, ये परमेश्वर देगा, हमारे को काम करना है प्रभु के राज्य में। इसने लिखा है कि दुख उठाकर, कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना। ऐसा क्यों? क्योंकि लूसीफर करने नहीं देगा ना। इसको देखिए कुलुसियों 2:8 क्या कहता, देखते हैं। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा आहिर ना कर ले जो मनुष्य की परंपराए मत संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं, मसीह के अनुसार नहीं। ऐसा कौन सा तत्व ज्ञान है, ऐसा इसको इंग्लिश में निकालो, कुलोशियन चैप्टर 2:8, ऐसा कौन सा, केजीबी वर्जन, ऐसा कौन सा तत्व ज्ञान है। बीच में मुझे दिल्ली से एक मसीह मंथन के मेंबर है, उन्होंने कॉल करके बताया, बोला पास्टर डैनियल जहां पे अभी मैं जा रहा हूं कुछ दिनों से, वहां पर एक विचित्र चीज देखने मिल रही है, और वो विचित्र चीज क्या है मालूम है, मैसियानिक, यानी कि जुडिशम, यहूदी का जो कल्चर है ना इसराइलियों का, वो लेकर आ गए। अब इनका साल में कैलेंडर आता है जिसको कहते हैं न्यू ईयर, फिर उसके बाद में पर्व, फिर उसके बाद में ये फेस्टिवल वो फेस्टिवल, ये सब मसीह की देह में चल रहा है, जिसको कहते हैं कि ये लोग जो है ना पूरी तरह से वचन को नजरअंदाज कर कर खुले तौर पे इसको मना रहे हैं, जिसको पौलुस बड़े स्ट्रांगली बोलता है ये सब शेडोज है। मैं बताऊंगा आगे जी, पढ़िए कोलिशन 2:8 इंग्लिश में। Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit after the tradition of men, after the rudiments of the world and not after Christ. See? ऐसे कुछ परंपराएं, ऐसी कुछ चीजें हैं जो मसीह की नहीं है, ये मनुष्यों की हैं। ओल्ड टेस्टमेंट में चलता था मूसा के कुछ क्या कहते हैं उसको नियम थे, सबत का दिन मनाना, खतना करवाना, XYZ, मंदिर जाना, कैसे जाना, इन सभी का शोफार 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 उसको फूकते हैं आजकल, कहते हैं कि इसको फूकने से अनॉइंटिंग आएगा, जबकि दूसरा पहला योहन्ना 2:27 कहता है अभिषेक आपके अंदर ही है, पवित्र आत्मा आपके अंदर ही है, परमेश्वर आप में चलता है, आपका शरीर उसका मंदिर है, ये शोफार बजाने से कौन सी अनॉइंटिंग आएगी मेरे को नहीं मालूम। ये सब चल रहा है साहब आजकल, जिसको कहते हैं ऐसी तत्व ज्ञान, ऐसी कुछ परंपराएं, ऐसी कुछ ट्रेडिशनल चीजें जो मसीह की नहीं है। देख लीजिए नीचे लिखा है, पर मसीह के अनुसार नहीं है, पर मसीह के अनुसार नहीं। आगे कहता है दी ज्यादा शेडोस, कुलिसियों 2:16-17 में लिखा है ये शेडो है, ये परछाई है, मुझे नहीं पता कहां से लेकर आ गए। यार दिक्कत क्या है पता है, एक कहावत है कहते आसमान से गिरे और खजूर में अटके। आप पहले जब अविश्वासी थे आपको बाबा लोग कहते थे ऐसे करो वैसे करो, अब जब मसीह में आ गए हैं तो ये बाबा लोग कहते ऐसे करो वैसे करो, तो फिर फर्क क्या रहा। मसीह ने इन सब चीजों से स्वतंत्र किया, हमको सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है। Romans 8:14, जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलता है, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड, वे ही परमेश्वर के बेटा बेटी है। अब मैंने जैसे शुरू में कहा था आज बहुत सारा मसाला है, और जिसके चलते मुझे वक्त का भी ख्याल रखना है। Utpatti 3:15 देखते क्या लिखा है, ये बहुत गजब की चीज आपके बीच में रखने जा रहा हूं, आइए देखते क्या लिखा है जी। 1300 लोग देख रहे हैं, आप सभी को कहना चाहता हूं शेयर करिए, वॉच पार्टी करिए, यूट्यूब पे अगर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए और आइकन बेल दबाइए और दूसरों को शेयर करिए, ऐसी शिक्षाएं हैं। अब देख लिखा है Utpatti 3:15 में, उसको पढ़ते हैं, लिखा है और मैं तेरे, ये जो शब्द है ना तेरे, उस पे आऊंगा और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में, लिखा है बैर उत्पन्न करूंगा। मैं बाकी नीचे आ रहा हूं बाद में, ये तेरे कौन है, ऑफ कोर्स लूसीफर,
यह स्त्री कौन है? ऑफ कोर्स हव्वा, मैं बताऊंगा क्यों। फिर उसके बाद में लिखा तेरे वंश और इसके वंश के बीच में भैर उत्पन्न करूंगा, जिसको कहते हैं दुश्मनी। फिर जो आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर में लिखा है कि वह, मजा आएगा, लिखा है कि वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ये उसकी कौन है मैं वो भी बताऊंगा। वापस आते हैं दोस्तों, गजब का मसाला इसके अंदर, आत्मिक भोजन है, जरा ले लीजिएगा। लिखा है कि मैं तेरे और स्त्री के बीच में, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। इस पद को समझने के लिए 400 समाचार के पुस्तकों को समझना होगा। मैं रिपीट कर दूं, अभी जो पढ़ा था ना ये वाला, इसको समझने के लिए आपको मत्ती की किताब जिसमें 28 अध्याय है, मरकुस की किताब जिसमें 16 अध्याय है, लूका की किताब जिसमें 24 अध्याय है, यूहन्ना की किताब जिसमें 21 अध्याय है, आपको ये चार पुस्तकों को समझना होगा। और जो चार पुस्तक पढ़ेगा उसको ऐसा कुछ नजारा दिखेगा। यीशु पैदा हुआ, 30 साल की उम्र तक घर पे रहा, यानी कि मिडल ईस्ट में नाजरत में पाला पोसा गया। उसके बाद में 3.5 साल की सेविकाई के बाद में क्रूस पर चढ़ाया गया और ठीक 3 दिन के बाद मुर्दों में से जी उठा। आपको ये सब समझना होगा। अब आप पूछोगे पास्टर डैनियल, ये समझने के लिए, इस पद को समझने के लिए हम क्या करें और वो चार किताबों को पढ़ना क्यों जरूरी है? लिखा है तेरे और इस स्त्री के बीच में, इसका मतलब है तेरे वंश और इस वंश के बीच में। ये औरत ऐसा क्या बच्चा पैदा करने वाली थी जिसको मैं कह रहा हूं कि आपको ये चार सुसमाचार पढ़ना है? ये औरत कोई और नहीं है, ये वही औरत जात है जो आदि माता है सारे मानव जाति की, जिस औरत के कोख से यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा होकर क्रूस पर मरा, तो क्रूस पर मरकर क्या किया? लिखा है कि तेरे और औरत के बीच के जो वंश है उसमें भैर उत्पन्न करूंगा और वह, ये शब्द देखिए, वह तेरे सिर को कुचलेगा। और यीशु मसीह ने क्रूस पर मरकर उसके सिर को कुचला, यानी कि उसको खत्म किया, और तीसरे दिन जब वो जी उठा, प्रकाशित वाक्य उसका 1:16-17-18 कहता है कि अधोलोक में जाकर उसने कुंजी लेकर आए, और वो कुंजी जो जीवन और मृत्यु की है। इसका मतलब है कुलुसियों 2:15, बड़े ध्यान से देखिए, लिखा है उसने, लिखा है और उसने प्रधानताओं अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। क्रूस के कारण, मैं वापस दिखा देता हूं, ये क्रूस के कारण। तो लूसीफर का, जब यहां परमेश्वर कह रहा है उत्पत्ति की किताब में, आज आप लोग इस बात को समझोगे क्योंकि आप लोग अभी उत्पत्ति की किताब को भी जानते हो, चार किताबों को भी जानते हो, लेकिन मूसा जब लिख रहा था उसको नहीं पता था ये वह कौन है, उसको नहीं पता था, क्योंकि यीशु पैदा नहीं हुआ। उसके 2000 साल के बाद, मूसा के 2000 साल के बाद ये वह पैदा हुआ जिसका नाम है यीशु मसीह, ईसा मसीह, इसाले सलाम, यस्तुस, ये वो पैदा हुआ। और लिखा है कि वो तेरे सर को कुचल डालेगा, तू उसकी एड़ी को डसेगा। ये एड़ी कौन है मैं वो भी बताऊंगा। तू उसके सर को कुचल डालेगा, ये वह उसके सर को कुचल डाला यहां पे, और मुर्दों में से जी उठकर ऐसा लिखा है कि क्रूस के कारण, लिखा है कि उसके ऊपर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। लूसीफर जीता था, लूसीफर जीत गया था उस औरत से अधन के बगीचे में, यीशु जीत गया गतसमनी के बगीचे में। क्या बात है, वापस बोल दूं, लूसीफर औरत से जीत गया था अधन के बगीचे में, यीशु मसीह जीत गया गतसमनी के बगीचे में। और जो क्रूस पर, क्योंकि यहीं पर प्रार्थना करी थी यीशु मसीह ने, अगर हो सके तो यह कटोरा हटा ले, नहीं तो तेरी इच्छा पूरी हो, यह भी कहा था यीशु ने। इसका मतलब है कि यहां पर यीशु पैदा हुआ, क्रूस पर मरा, और क्या शान से जी उठा साहब, क्या शान से जी उठा। कुछ विचित्र प्राणी लोग हैं इस पृथ्वी के ऊपर जो नहीं मानते, मैं खैर नाम नहीं लेता, जो कहते हैं कि नहीं मानते यीशु क्रूस पर चढ़ा। इतिहास गवाह है, उस वक्त का राजा गवाह है, पिलातुस गवाह है, रोम की सरकार उस वक्त की गवाह है, यहूदी गवाह है, वहां की किताबें गवाह है, वहां के एम्परायर गवाह है कि यीशु पैदा हुआ था, यीशु मारा गया, यीशु जी उठा। ये गवाह है वहां के लोग। और जिसके लिए पौलुस, जो कि पूरी तरह से इतिहास को जानने वाला, वो कहता है कि खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, किसका? शैतान का। कहां? क्रूस के ऊपर। और लिखा है कि जय जयकार की ध्वनि सुनाए। अब आप पूछोगे पास्टर डैनियल, एड़ी को डसना क्या है? अब ये चित्र देख लो, एड़ी को डसना क्या है मैं बताने जा रहा हूं। ये देख लीजिए, लिखा है, आपके बीच में रखने जा रहा हूं, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 16:20, लिखा है शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। किसके?
कलिसिया के। ये कलिसिया कौन है? ये कलिसिया यीशु की दुल्हन है। आपको याद होगा कल या परसों मैंने कहा था कि जैसे आदम वैसे यीशु दूसरा आदम, जैसे हवा वैसी कलिसिया यीशु की दुल्हन। अब आप देख रहे हैं यहां पे मजा आएगा, यहां पे परमेश्वर कह रहा है वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा, और फिर ऊपर कहता है कि तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। ये कौन सा वंश है? ये वही वंश है जिसको कहते हैं कलिसिया। लूसीफर आज किसके पीछे पड़ा है? कलिसिया। लूसीफर को पूरे माय गुडनेस गॉट रेडी, लूसीफर को थिएटर से डर नहीं लगता, जो आपका बॉलीवुड हॉलीवुड टॉलीवुड है उसको पब और डिस्को से डर नहीं लगता, उसको रेस कोर्स से डर नहीं लगता, उसको स्टेडियम से डर नहीं लगता जहां पर गेम्स चलते हैं आपके, जो दुनिया भर का क्रिकेट खेलते हैं। लूसीफर को अमेरिका से डर नहीं लगता, लूसीफर को अफ्रीका से डर नहीं लगता, लूसीफर को कलिसिया से डर लगता है। और जिस दिन आपको याद होगा ना पत्रस जेल में था, प्रेरितों की किताब दूसरा अध्याय, पत्रस जेल में था, कलिसिया क्या कर रही थी? प्रार्थना कर रही थी। कलिसिया की प्रार्थना सुनकर परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा और पत्रस जेल से रिहा हो गया। ये ताकत है कलिसिया की। आज की कलिसिया का तो बात ही अलग है, फिर कभी बात करूंगा, लेकिन ये पावर था कलिसिया का। और परमेश्वर ने कहा था कि इसके और तेरे वंश के बीच में मैं बैर उत्पन्न करूंगा। आप जितने भी अभी कलिसिया के लोग हैं अपनी पीठ को थपथपाइए, क्योंकि आप वो कलिसिया हैं। मुझे वापस रखने दो। आप वो कलिसिया हैं। अपनी पीठ को थपथपाइए। आप पुरुष हैं, अपनी पीठ थपथपाइए। आप स्त्री हैं, जवान हैं, आप कलिसिया हैं। और लूसीफर को किसी से डर नहीं लगता, कलिसिया से डर लगता है। और कलिसिया को यीशु मसीह ने क्या क्या पावर दिया, मैं आगे रखूंगा उसको। और लिखा है कि बहुत जल्द, ये पौलुस का प्रकाशन है, लिखा है बहुत जल्द परमेश्वर कहता है अपने दास के द्वारा कि लूसीफर को पांव तले कुचलवा देगा। कौन कुचलेगा? कलिसिया। रोमन चैप्टर 10:12, रोमियो किताब उसका 10:12 या 12:10, पहला 12:10 देखो, नहीं 10:12 देखो, द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 10:12, जल्दी निकालना जी। मैं वापस आता हूं, कलिसिया है, आप खुश हो जाइए। और मैं तो कहता हूं कि इस प्लैनेट के ऊपर जब तक कलिसिया है हमको किसी से, जब तक यीशु नहीं आता इस पृथ्वी पर, जब तक कलिसिया है किसी से नहीं डरना है। कुछ लोगों को तकलीफ होती है, आजकल थोड़ा सा प्रोसिक्यूशन स्टार्ट है, पढ़िए, लेकिन उसे नहीं डरना है। जी यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं इसलिए कि वह सबका प्रभु है। नहीं नहीं, कौन सा पढ़ रहे हैं? हिब्रू मैंने क्या बोला? रोमियो बोला, हिब्रू 10:12, माफ करें, हिब्रू 10:12, इब्रानियो नॉट रोमियो, माफ करें जी, बीच बीच में आ रहा है, क्या करें, बात तो करना पड़ेगा जी। क्या लिखा है? गजब का लिखा है, मैं बीच में भी पढ़ा चुका हूं, लेकिन अभी इसको कनेक्ट करते जी। परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा जी, और उसी समय से, एक मिनट, लिखा है उसी समय से इसकी बाट जो रहा है, इसकी वेटिंग हो रही है, बाट जो रहा है क्या, कि उसके बैरी, उसका बैरी या उसके बैरी जी, उसके पावों के नीचे हाँ की पीढ़ी बने, उसके पांवों की पीढ़ी बने, मतलब फुटस्टूल किसके पांव के नीचे? कलिसिया के। किसके नीचे आएगा कलिसिया के? कौन आएगा? लूसीफर। और उसका क्रॉस रेफरेंस है ये, और इसका क्रॉस रेफरेंस है हिब्रू 10:12, सी दैट। तो इसका मतलब है आप और मैं वो कलिसिया हैं जिससे लूसीफर को डर है, और मुझसे तो कुछ ज्यादा ही उसको तकलीफ है, लूसीफर को डर है हम कलिसियाओं से। और मैं तो कहता हूं मुझ जैसे जो प्रचार करते ना 10%, लूसीफर को ज्यादा तकलीफ है। पीछे 20 दिन में गड़बड़ हुई थी, आप लोग सभी जानते हैं, और आज भी अभी भी है, और मैं जानता हूं चारों तरफ से क्लेश है, जैसे पौलुस ने कहा चारों तरफ से समस्या है, लेकिन उसने रत्ती भर भी परवाह नहीं करी, तो मैं क्यों करूं? मुझे छोड़िए, पौलुस को छोड़िए, लोगों ने यहां तक कि यीशु को पागल कहा, यूहन्ना 10:20 में, यहां तक कि यीशु को पागल कहा कि इसका चित्त ठिकाने पे नहीं है, उसके घर के लोगों ने कहा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी वीडियो बनाओ उसके विरोध में, कुछ भी बकवासे करो, मैं हमेशा कहता हूं हाथी चले बाजार, कुत्ते भूखे हजार, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन तक, जब तक हम ठीक हैं उसके साथ में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्या कहते हो जी? और मैं बाकी 10% जो प्रीचर्स हैं, पास्टर्स हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं, सर ऐसों की चिंता नहीं करना है, बस आगे बढ़ना है। मसीह मंथन वालों से भी कहना चाहूंगा, मेरी मिनिस्ट्री से भी कहना चाहूंगा, ग्रेस मिनिस्ट्री से, किसी की चिंता नहीं करना है, आगे बढ़ना है। एक ही है, इग्नोर देम।
जी दोस्तों, अब बात करते 316 उत्पत्ति 316 लिखा है। फिर स्त्री ने, माफ करें, फिर स्त्री से उसने कहा, अब बात करें स्त्री की यानी कि हवा, कहा मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा, तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी, तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह 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 तुझ पर प्रभुता करेगा। वाह, वह तुझ पर प्रभुता करेगा। अब यह भी इंटरेस्टिंग है, अब इसको भी दो तरीके से समझना होगा, एक है नेचुरल एंड सुपर नेचुरल, अलौकिक तरीके से, जिसको कहते हैं अपोकलिप्टिक यानी कि दृष्टांत। वापस आते हैं, देखिए जरा क्या लिखा है, आपका माइक बंद करके रखो। लिखा है फिर स्त्री से उसने कहा मैं तेरी पीड़ा तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा, तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी, तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी, वह यानी कि पति तेरा तुझ पर प्रभुता करेगा। पास्टर डैनी लिए क्या है, वापस कहता हूं इसको दो तरीके से समझना होगा, एक है नेचुरल, दूसरा है सुपर नेचुरल। कैसे, आइए बताते हैं। सबसे पहला नेचुरल, स्वाभाविक। आज औरतें बच्चा कैसे पैदा करती है, नेचुरल बर्थ, बच्चा कैसे पैदा करती है। दूसरा उनका नेचुरल पति यानी कि संसारिक पति, यह है नेचुरल। बच्चा 9 महीना पैदा होता है, दुख के साथ पैदा होता है और उसका पति उसके ऊपर हुक्म करता है, जो कि लिखा है और जो कि ऑब्वियस है और होना भी चाहिए, हर पत्नी अपने पति के अधीन रहे, ये लिखा है इसमें, मुझे नहीं जाना है, आप लोग जानते हैं। लेकिन अब बात करते हैं सुपर नेचुरल यानी कि अपोकलिप्टिक यानी कि दृष्टांत के रूप में। और यहां है सुपर नेचुरल, इसका मतलब क्या है, एक ऐसी औरत, एक ऐसी औरत जिसको कहते हैं कलीसिया, जिसको कहते हैं चर्च, मैं अभी फोटो दिखा चुका हूं, जिसको कहते हैं चर्च, और उसका पति यीशु है, उसका पति यीशु है। आप भूलोगे पास्टर डैनियल क्या रेफरेंस है, जी हां लीजिए, इफिशियन चैप्टर 5:32 लिखा, यह भेद तो बड़ा है, इंग्लिश में निकाल के रखो, यह भेद तो बड़ा है पर मैं, पौलुस कहता है, मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं, कैन यू बिलीव दिस, ये सुपर नेचुरल वाइफ यानी कलीसिया, ये सुपर नेचुरल हस्बैंड यानी कि यीशु, और फिर वचन क्या कहता है कि यीशु कलीसिया पर प्रभुता करेगा और कलीसिया इस हस्बैंड के ऊपर अपनी आशा रखेगी। वापस पढ़वा देता हूं फिर इंग्लिश में पढ़ते हो, लिखा है तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी, आत्मिक बातें कलीसिया, और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी, तेरी लालसा तेरे यीशु की ओर होगी और यीशु तुझ पर प्रभुता करेगा। क्या बात है, और ये होने दो ना, ये होने दो, ये अच्छा है, पढ़िए इंग्लिश में। जी दोस्तों, हाँ, दिस इज अ ग्रेट मिस्ट्री बट आई स्पीक कंसर्निंग क्राइस्ट एंड द चर्च, क्राइस्ट एंड द चर्च, और लिखा इट्स अ ग्रेट मिस्ट्री, ये छोटा रहस्य नहीं है, ये बड़ा रहस्य है। और कलीसिया को बाइबल कहती है दुल्हन, और यीशु को बाइबल कहती है दुला, और दुल्हन और दुला एक दिन प्रकाशित वाक्य की 22 के अध्याय के अनुसार हम सब यीशु के पास रहेंगे। वाह, क्या बात, हम सब यीशु के पास रहेंगे। तो इसका मतलब है कि नेचुरल नहीं, सुपर नेचुरल, और नेचुरल बता चुका हूं, सुपर नेचुरल यानी कि अपोक्लिप्टिक में कलीसिया है वो औरत या वहां बात हो रही है। और क्योंकि इसके ठीक पहले मैंने बताया था कि लूसीफर को जब वार्निंग दी जा रही थी हवा के कंसर्न में, तो यहां पर बात हो रही है कलीसिया यानी यीशु की दुल्हन, और ये है लूसीफर, और दोनों के बीच में बैर, और इसलिए तो लिखा है कि मैं तेरे और उसके बीच में बैर उत्पन्न करूंगा और तू पीड़ित दुख उठाकर आत्मिक बच्चे कलीसिया पैदा करेगी और तेरी लालसा तेरे पति यीशु की ओर होगी और तेरा पति यीशु कलीसिया पर प्रभुता करेगा। क्या बात है दोस्तों, कैसा लग रहा है, टाइप करके बताते जाएं, आपकी जो क्या कहते हैं ना, कमेंट बॉक्स पे थम आर्ट ये सब चलता रहना चाहिए। जी, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहिए तो। नाउ अब एक इंटरेस्टिंग पार्ट आ रहा है, वह यहां है, लिखा है कि एक और बात जो आपको समझना होगा, क्या है देखते हैं। लिखा है कि इस पूरी वाटिका की गड़बड़ी में, मैं रिपीट कर दूं कि इस पूरे वाटिका की गड़बड़ी में शैतान ने स्त्री यानी कि ब्रैकेट में हवा को टारगेट बनाया था। किसको टारगेट बनाया था, हवा को। लूसीफर किसके पास में गया, हवा औरत। लूसीफर ने किसको फल खिलाया, औरत हवा। लूसीफर ने किसको पावर दिया, कल बताया था कन्विंसिंग पावर, हवा औरत। आदम किसकी बात सुना, हवा औरत। लूसीफर के दिमाग में कौन था पहला टारगेट, औरत। अब जरा मजा देखना चाहोगे, जो कि आपको बहुत मजा आएगा, परमेश्वर ने भी
स्त्री को ही, यानी कि ब्रैकेट में हव्वा, टारगेट बनाया। आप नहीं समझे अभी भी। यीशु ने, माफ करें, यहोवा परमेश्वर ने आदम को नहीं कहा कि आदम तेरे और शैतान के बीच में बैर होगा, नहीं कहा। उसने हव्वा को कहा कि तेरे और शैतान के बीच में, हव्वा तेरे और शैतान के बीच में दुश्मनी होगा। ऐसा क्यों? मैं वापस कहता हूं, लूसीफर ने टारगेट किया औरत को, परमेश्वर ने भी टारगेट किया औरत को। लूसीफर ने पाप का फल खिलाया, और पाप का फल यानी कि औरत की कोख से निकले पाप बच्चे, ऐसे बच्चे जो पाप से पैदा हुए, परमेश्वर ने कहा उसी कोख से, उसी पेट से मैं मसीहा को पैदा करूंगा, मैं मसीहा को पैदा करूंगा। क्या बात है! परमेश्वर ने वहीं पे टारगेट किया जहां लूसीफर ने टारगेट किया। मैं वापस कहता हूं, जितनी महिलाएं सुन रही है, आप किसी से कम नहीं है। परमेश्वर की नजर आप महिलाओं के ऊपर विशेष है, विशेष है। मैं वापस कहता हूं, ना पुरुष ना स्त्री किसी से कोई कम ज्यादा नहीं है, सब एक है। निकालो निकालो, कुछ विचित्र प्राणी लोग हैं मसीह के अंदर जिनको बात हजम नहीं होती है वाली। फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 11 वर्स 7 एंड 8 पढ़िए, 11 का 7 और 8। जी दोस्तों, मेरे साथ में बने रहे, 1300 लोग अभी तक जुड़े हुए हैं, आपका मैं स्वागत करता हूं। जी हाँ, पुरुष को अपना सिर ढाकना उचित नहीं क्योंकि वह परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है, परंतु स्त्री पुरुष की महिमा है, क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ परंतु स्त्री पुरुष से हुई है। अगेन, और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सिर्जा गया परंतु स्त्री पुरुष के लिए सिर्जी गई है। जी, इसीलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे, तो भी प्रभु में न तो स्त्री बना बिना पुरुष और न पुरुष बिना। ये लाइन को वापस पढ़ो, तो भी, इसको ठीक से पढ़ो। जी तो भी प्रभु, तो भी नहीं, तो भी, जी ठीक से आओ। जी तो भी प्रभु में न तो स्त्री बिना पुरुष और न पुरुष बिना स्त्री के है। रिपीट। तो भी प्रभु में न तो स्त्री बिना पुरुष और न पुरुष बिना स्त्री के है। इसका मतलब क्या है? दोनों एक हैं, दोनों एक हैं। परमेश्वर की नजर में जेंडर नहीं चलता। आपके बैंक के फॉर्म में चलता होगा मेल और फीमेल का जेंडर, परमेश्वर के फॉर्म में नहीं चलता ये जेंडर। क्या बात है! परमेश्वर ने स्त्री, लूसीफर ने स्त्री को टारगेट किया, परमेश्वर ने भी स्त्री को टारगेट किया। सब लोग कहते हैं कि आदम में से औरत निकली, बात सही है दोस्त, बात सही है। पूरी दुनिया औरत में से निकली, क्या बात करते हो! आप और मैं जो अभी देख रहे हैं ना, मैं कनेक्ट करूंगा, हम सब उसी औरत में से निकले। यीशु भी इसी औरत में से निकला है, यीशु भी इसी औरत में से। जितने भी तुर्रम खाना है ना दुनिया में, राजा महाराजा लंदन प्रिंस के टाइप के लोग, ये सभी इसी औरत में से निकले। मैं कनेक्ट करूंगा लास्ट में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि लूसीफर ने जिसको टारगेट किया था, परमेश्वर ने भी उसी को टारगेट किया था। उसने जिसको कमजोर बनाया था, उसी को परमेश्वर ने पावरफुल बनाया। क्या बात है ना! उत्पत्ति 3:17-19 तक में, ये थोड़ा लंबा है फिर भी बता देता हूं, लिखा है, लिखा है, और आदम से उसने कहा, अभी आदम है, आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, जिससे जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसने ना खाना, उसको ना, उसे ना खाना, उसको तूने खाया, ना खाना उसको तूने खाया, ब्रैकेट में लाल ब्लैक स्पॉट आ गया, इसीलिए भूमि, इसीलिए भूमि तेरे कारण शापित है, यह जमीन आदम तेरे कारण शापित है। वाह, इसको अभी बता देता हूं, तेरे कारण शापित है। इसका मतलब क्या मालूम है? अगर यही आदम जात यीशु में आ जाए, यही भूमि आशीषित है। वाह, वापस आ जाऊं, बोल दो, लिखा है ये भूमि तेरे कारण शापित है, अगर यही आदम जात यीशु में आ जाए तो वो क्या है? आशीषित है। इसलिए तो लिखा 2 कुरिन्थियों 5:17, हम जो मसीह में है नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। तो क्या करूं? इसका मतलब है किसी के श्राप देने से, आफ्टर बीइंग अ बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस, क्राइस्ट फॉलोवर्स, यीशु को अपनाने के बाद, किसी का श्राप इस पृथ्वी पर, किसी का भी श्राप, वो चाहे 6 नंबर का हो या जो भी हो, आगे आप समझदार हैं, किसी का श्राप आपके ऊपर नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। वो चाहे खाली बिल्ली रास्ता काटे, रात को कुत्ता भौंके, शाम को कौवा काव काव करे, ऐसा किसी प्रकार का श्राप। कुछ लोग कहते हैं कि उसने करनी कर दी, उसने जादू कर दी, उसने कुछ कर दिया कलकत्ता साउथ अफ्रीका जाकर, और मेरे घर में पूरी तबाही है। मैं आपको सिर्फ एक ही कहता हूं, अगर तुम यीशु मसीह में, माइके लाल, कोई दुनिया में ऐसा माइके लाल नहीं है जो आपके ऊपर जादू कर जाए और आप पर असर कर जाए, नहीं कर सकता।
इसलिए लिखा है कि भूमि तेरे कारण शापित है, यह बात सही है, लेकिन अगर वही आदम जात यीशु में आ जाए तो यह भूमि आशीषित है। सी ना, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। अब आगे लिखा है, वह तेरे लिए कांटे उठ कटारे उगाएगी, तू खेती की उपज खाएगा, अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। ब्लैक स्पॉट वापस आ गया और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है, तो मिट्टी तो है, मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है? ये देखिए, यहां मानव जाति की डेस्टिनी कैसी होगी वो बताई गई है। आदम कैसे, आदम का ये भी बता देता हूं, यहां पुरुष और स्त्री दोनों की बात हो रही है, मानव जाति की बात हो रही है। अब बोलोगे नहीं डैनियल भाई, यहां सिर्फ आदम को बोला, तो औरत को कहां गाड़ते हो? उसको भी तो मिट्टी में गाड़ते हो ना। हाँ, औरत काम नहीं करती? करती है। औरत मेहनत नहीं करती? करती है। आपको किसने कहा कि केवल आदमी खेती करता है? औरत भी तो खेती करती है। तो यहां पे बात हो रही है मानव जाति की। तो इसका मतलब है यहां मानव जाति की डेस्टिनी की बात हो रही है, यहां पुरुष और स्त्री की बात हो रही है। जी दोस्तों, यहां पुरुष और स्त्री की बात हो रही है। क्या बात है, आदमी मट्टी से बना है, एक दिन मट्टी में मिल जाएगा, तो घमंड क्यों? मैं आज पैसे वाला हूं, मेरी पढ़ाई अलाना है, मेरी पढ़ाई फलाना है, मेरा कांटेक्ट यूके में है, मेरा कांटेक्ट लंदन में, मैं अमेरिका तक जा चुका हूं, ये घमंड क्यों? मेरे पास में ये डिग्री, मेरे पास में वो डिग्री, मैं इतना अच्छा बजा लेता हूं, मैं इतना अच्छा गा लेता हूं, ये घमंड क्यों? मट्टी से बना है बेटा, मट्टी में जाएगा। ये बात बता दी ना, पड़ोसी वाले को दूसरे पड़ोसी पे घमंड है, उसको इससे जलन है, क्यों? मट्टी से बना है और मट्टी में मिल जाएगा। बादशाह सिकंदर की कहानी नहीं आपको पता है? सारी दुनिया को जीता लेकिन जब गया तो खाली हाथ। ये बात तो आप जानते हैं, जग जाहिर है, बच्चों को स्कूल में भी सिखाया जाता है। कैसा लग रहा है दोस्तों? तो यहां पे ये तीन बातें बताती है, यह मानव जाति की डेस्टिनी बताती है, पुरुष या स्त्री हो ना। अब इसको देखिए, यहां मनुष्य ने खुद अपना चुनाव किया था। मनुष्य रोटी खाएगा, मेहनत करेगा ना, ये वाला वचन है ना, ये मनुष्य ने खुद चुनाव किया था, इसलिए मैंने लिख दिया मनुष्य ने खुद अपना चुनाव किया था। अमीर गरीब, दुख सुख, बीमारी या चंगाई, ये खुद उसने चुनाव किया था। लेकिन आपको पता है परमेश्वर की अच्छी बात क्या है? परमेश्वर ने उसका साथ नहीं छोड़ा। आदम का परमेश्वर ने साथ नहीं छोड़ा, आदम जात का परमेश्वर ने साथ नहीं छोड़ा। वो हनोक हो, वो नूह हो, वो अब्राम हो, इसाक हो, याकूब हो, वो यूसुफ जोसेफ हो या फिर मूसा हो, वो दाऊद हो या फिर सैमुएल, ये किसी का साथ नहीं छोड़ा जब तक यीशु ने आया, और फिर उसके बाद तो कलीसिया का तो बात ही खत्म। परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। जगत से परमेश्वर ने नहीं साथ छोड़ा, लेकिन उस वक्त चुनाव किसका है? कुछ लोग कहते हैं कि अगर परमेश्वर सच्चा है तो इतना अन्याय क्यों? तुमने खुद ही चुनाव किया ना दोस्त, तुमने खुद ही चुनाव किया ना, अमीर होने का, गरीब होने का, दुख भोगने का, सुख भोगने का, बीमार होने का, चंगा होने का, ये चुनाव तुमने खुद किया है। आदम जात तुमने खुद किया है। अब आप कहोगे कि डैनियल भाई आदम ने किया, मैं तो नहीं था। यही तो परमेश्वर कह रहा है, इसलिए तो वो तुमको चांस दे रहा है ना। आप नहीं थे इसलिए तो वो चांस दे रहा है। आपकी गलती नहीं है इसलिए तो यीशु को मरवा दिया ना आपके लिए और मेरे लिए। अब इससे बड़ा और क्या बात हो सकती है बताइए। बीच में गाना निकला था, आई थिंक 70s और 80s में, वो गाने की लाइन ऐसे थे, आई थिंक मुझे जहां तक याद है कि ऊपर वाले हे दुनिया बनाने वाले काहे तूने दुनिया बनाई, ये गाना निकला था, कैसे गाते पता नहीं। हे दुनिया बनाने वाले काहे तूने दुनिया बनाई, अभी लेटेस्ट कौन सा चल रहा है मालूम है? ऊपर वाला वेरी गुड, नीचे वाले वेरी बैड, ये अभी चल रहा है, आगे पता नहीं क्या आएगा। सो मैं वापस कहता हूं, ये मनुष्य का अपना चुनाव है। जब मनुष्य ने खुद चुना, मैं गरीब बनूंगा, मैं दुख उठाऊंगा, मैं बीमार हो जाऊंगा, इसलिए लिखा है अमीरी गरीबी दुख सुख बीमार चंगाई, ये खुद मनुष्य ने चुना। इसमें परमेश्वर का हाथ कहां है? जीसस क्राइस्ट, परमेश्वर ने कहा बगीचे में रहे, उसका काम था रहना। उसको कहा था ये फल नहीं खाना, उसका काम था नहीं खाना। उसको आज्ञा पालन करना था, उसने नहीं किया, ये चुना उसका खुद का है। तो परमेश्वर की गलती कहां है यहां पर बताइए। अब इसको देखिए, आदम ने अपनी पत्नी, क्योंकि मुझे समाप्त करना, 3:20 कहता है आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा। अब जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही हुई। ये मूसा लिख रहा है, जितने भी मनुष्य इस पृथ्वी पर आए, अब देखो इन सब की आदि माता किस किस की, मजा आएगा। ऐसा लिखा है कम से कम 4,300 रिलीजन है पूरे दुनिया में। कितने? 4,300। ये पूरी की पूरी दुनिया में
अब आप सोच के देखिए 4,300 रिलीजन्स, आपके गूगल पे टाइप करके देख लीजिएगा, अब लिखा है 5 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रिलीजन्स है, एक है बुद्धिज्म, दूसरा है क्रिश्चियनिटी, तीसरा है हिंदुज्म, इस्लाम एंड जूडिज्म। ये और इसमें तगड़ा कौन है टॉप पे आज के डेटा के मुताबिक? क्रिश्चियनिटी। सेकंड पे कौन है? इस्लाम। इन सब की आदि माता, बुद्धिज्म की आदि माता कौन है? हव्वा। क्रिश्चियनिटी की आदि माता कौन है? हव्वा। हिंदू की आदि माता कौन है? हव्वा। इस्लाम की आदि माता कौन है? हव्वा। और आपका जूडिज्म की आदि माता कौन है? हव्वा। यही तो लिखा है आदि माता। अब ऐसे सत्य को छोड़कर आप कहां भटक रहे मुझे नहीं पता, ऐसे सत्य को छोड़कर। इन सब की आदि माता, अब इसको देखिए 3:21 मजा आएगा। वाह दोस्तों कैसा लग रहा है, कल कॉल करके बताइएगा। लिखा है यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंग रखे बनाकर उनको पहना दिए, आदम और उसकी पत्नी यानी कि हवा के लिए। और इसको फोटो देख लीजिए, पहला टेम्पररी सॉल्यूशन, इसको कहते हैं टेम्पररी सॉल्यूशन। ये जो कपड़ा आप देख रहे हैं ना इनके बदन पे, ये जो लहू बहा था, ये जो एक मेमना या शीप या गोट जो भी आप बोलना चाहे, जो वहां पे कत्ल हुआ था, जो लहू वहां पर बहा था, ये जो कपड़ा है, मैं पहले भी बता चुका अभी फिर बता देता हूं, ये वो प्रतीक है, ये वो चिन्ह है, वो एक सिंबॉलिक है, अपोक्लिप्टिक है, जो बताती है यीशु मरने वाला है, एज अ मेमना यीशु मरने वाला, लैम्ब, द लैम्ब ऑफ गॉड, ये ऐसा मरने वाला था। उत्पत्ति की किताब उसका 3:22-24, आइए देखते क्या लिखा। लिखा है फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसका मतलब क्या है? मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया, इसका मतलब यह नहीं है कि वो टोटल गॉड हो गया, नहीं। इसके कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूं। आज कुछ कॉल आए थे जो मुझसे कह रहे थे कि पास्टर डैनियल क्या परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया तो फिर उसने फल क्यों खाया, क्योंकि उसको तो सब कुछ पता होना चाहिए था। उसको पता होना चाहिए था कि हवा को कौन बहका रहा है, उसको पता होना चाहिए कि ये सांप सांप नहीं है, ये शैतान है। तब मैंने उनसे कहा, मैं आपको भी कह देता हूं कि परमेश्वर ने उसको कौन से कॉन्सेप्ट में अपने स्वरूप में बनाया। टोटल गॉड नहीं, मनुष्य भविष्य नहीं जान सकता, मनुष्य कल का नहीं देख सकता, मनुष्य दीवाल के उस तरफ क्या नहीं देख सकता। ये एबिलिटी ये कैपेबिलिटी ये सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास है और वो है परमेश्वर, मनुष्य को नहीं कर सकता। भले बुरे का ज्ञान पाकर, इसके कॉन्सेप्ट कई हैं, पहले उसको समझा करो जी दोस्तों। फिर लिखा है कि वो पाकर हम में के समान, लिखा है शब्द हम में, हम मतलब है प्लूरल वर्ड है, हम में के जैसा हो गया है, और जिसके चलते कहीं वो फल खाकर कौन सा जीवन का सदा जीवित ना रहे, उसका निकालना जरूरी है। इसलिए लिखा है तब यहोवा परमेश्वर ने उसको अधन की वाटिका में से निकाल दिया, ये शब्द देख लीजिए, निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वो बनाया गया था। इसीलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अधन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। ये कुछ फोटो आपको मदद करेगी, देख लीजिएगा, ये फोटो आपको कुछ मदद करेगी जी दोस्तों। वाह सुई जी, इस परिस्थिति तक आज चैप्टर 3 क्लोज करने जा रहा हूं। अब बात करते हैं अंत में, अब अंत में एक बात, कौन सी बात जरा देखिएगा, मजा आएगा। क्या आप लोग तैयार हैं? थोड़ा टाइम जा रहा है, बर्दाश्त करिए। क्या आप लोग तैयार हैं? ये फोटो देख लीजिए, मैं कुछ सेकंड रख रहा हूं, ये फोटो देख लीजिए। वाओ जी, ये फोटो देख लीजिए। जैसे ही परमेश्वर ने आदम को निकाला, आदम बाहर आ गया। अब अंत में एक बात कनेक्ट करने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा। लिखा है तब से अब तक इस प्लैनेट पर आदम जात शैतान के साथ है। मैं रिपीट करूं, उस दिन जिस दिन उसको निकाला, जिसको कहते तब से अब तक आज की तारीख तक, कौन सा दिन है आज? अक्टूबर तारीख 3 अक्टूबर 3 2020, क्या बात। बड़े ध्यान से समझिए बात को, उस दिन से लेकर आज तक
और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मंडे जब मैं वापस आऊंगा, चौथा अध्याय कनेक्ट होना, जुड़ना, अद्भुत कनेक्शन दूंगा, इसी के साथ में कंटिन्यू चलेगा। लेकिन फिलहाल इसको मैं बता देता हूं, लिखा है तब से अब तक इस प्लैनेट पर, प्लैनेट समझते हैं ना, ये वाला अर्थ, इस ग्रह पर, इस पृथ्वी पर, तब से अब तक इस प्लैनेट पर आदम जात शैतान के साथ है। बाप रे, शैतान के साथ है। अब इसको देखिए, और इस शैतान का एक ही टारगेट है, मनुष्य को जितना बिगाड़ सके बिगाड़ना। इसका एक ही टारगेट है, जितना बिगाड़ सकता है बिगाड़ना। अब इसको देखिए, मैं चाहता हूं कि प्लीज आप लोग नहीं जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 श्लोक अभी भी कनेक्टेड है, बिल्कुल कनेक्टेड रहिए। शैतान के 4 W's, मैं इसको अलग से भी एडिट करके बनाऊंगा, वापस आता हूं एडिट के हिसाब से आ जाता हूं। अब अंत में एक बात, वो एक बात क्या है, लिखा है तब से अब तक इस प्लैनेट पर आदम जात, यानी कि आदम की जितनी वंशावली है या फिर जितने भी बच्चे आज तक आए हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, 710 करोड़ की आबादी, वो सब अब तक शैतान के साथ है। और फिर लिखा है कि शैतान, और इस शैतान का एक ही टारगेट है, मनुष्य जाति को बिगाड़ सके उतना बिगाड़ दे। इसीलिए शैतान के 4 W है। मुझे नहीं पता आपने अभी तक सुना या नहीं सुना, आपके बीच में रखने जा रहा हूं कि शैतान के 4 W's, सेटन्स 4 W's, आइए देखते क्या लिखा है। मनुष्य को फंसाने के लिए इसके 4 W क्या है। सबसे पहला W वुमन, दूसरा W है वाइन, और तीसरा W है वेल्थ, और चौथा W है वर्शिप। अब आप पूछोगे वर्शिप किसकी, ऑफकोर्स आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा। रिपीट कर दूं, पहला W किसका है, वुमेन, दूसरा W क्या है, वाइन, तीसरा W क्या है, वेल्थ, और चौथा W है वर्शिप, आइडल वर्शिप, आइडल वर्शिप। तो इसका मतलब है कि लूसीफर जितना बिगाड़ सकता है मानव जाति को, औरत के द्वारा व्यभिचार आप सभी जानते हैं, वेश्या खाना आप सभी जानते हैं, लॉस एंजलिस आप सभी जानते हैं, आपका जो वेबसाइट चलता है आप सभी जानते हैं, आजकल के जो पिक्चर हैं आप उसको जानते हैं, सड़कों पर, गलियों पर, गांव में, शहरों में, बड़ों में, छोटों में, हर जगह पर। मुझे 2 दिन पहले कॉल आया था, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा लेकिन शॉर्ट में समझा देता, मुझे एक बहन का कॉल आया था और वो प्रचार को सुनते सुनते तारीफ कर रही थी और फिर एक ऐसी मोड़ पर आ गई, उसने कहा कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूं, मैं अद्भुत रीति से बचाई गई हूं। मैंने पूछा कैसे, उसने कहा मेरे पति का मेरे साथ में तलाक हो गया। मैंने पूछा क्यों, तब उसने जो ऐसी घटना बताई मैं सोचकर ताज्जुब हो गया, ऐसे लोग भी इस दुनिया में। उसने कहा कि मेरे पति ने मुझे अपने दोस्तों के पास जाने को कहा। कैन यू बिलीव दैट, ऐसे वुमेन। दूसरा है वाइन, आप सभी जानते हैं वाइन से मेरा मतलब है शराब, मेरा मतलब है ड्रग्स। आप लोग सभी जानते हैं कि अभी मीडिया के अंदर बॉलीवुड का क्या परिस्थिति है ड्रग्स के मामले में, नशे के मामले में, और कितना गंदा है ये बॉलीवुड। आप लोगों को मैं कब से बता रहा था, आपको समझ में नहीं आई थी बात, अब आपको खुद पता चल रहा है, सब नहीं लेकिन आप जानते हैं, आप जानते हैं वुमेन, वाइन, और तीसरा है वेल्थ, पैसे के चक्कर में। क्या कहा यीशु ने मत्ती का 6:21 में, उसने कहा कि 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता एक आदमी, या तो पैसा या तो परमेश्वर। और आपको पता है पैसों की सब, पैसे का लालच सब प्रकार की बुराई की जड़ है। पैसे के चक्कर में दोस्त को कत्ल कर रहा है, पैसे के चक्कर में बाप बेटे का, बेटे बाप का कत्ल कर रहा है, पैसे के चक्कर में पड़ोसी पार्टनर एक दूसरे के दुश्मन हो रहे हैं, पैसे के चक्कर में गांव का गांव तबाह हो रहा है, शहर का शहर तबाह हो रहा है, परिवार का परिवार तबाह हो रहा है, पैसे के चक्कर में। सबसे बड़ी मुसीबत यह है वर्शिप। मैंने बीच में बताया था शैतान इतना स्मार्ट है कि एक रात में भगवान पैदा कर सकता है ये आदमी, एक रात में। कभी इसको मानो, कभी उसको मानो, कभी इसकी आराधना, कभी उसकी आराधना, कभी इसकी पूजा, कभी इसकी पूजा, ये आदमी ऐसा है। तो ये 4 W से उसने पूरी दुनिया को तबाह करके रखा है। और सबसे ज्यादा मैं बता चुका हूं, सबसे ज्यादा 2 W आज पूरी दुनिया में काम कर रहे, जोरों से काम कर रहे, एक है मूर्ति पूजा, दूसरा है व्यभिचार। एक है मूर्ति पूजा, दूसरा है व्यभिचार। दोस्तों कैसा लग रहा है बताइए, आप सभी जानते क्या परिस्थिति चल रही है। क्योंकि देखिए, क्योंकि चौथा अध्याय से शैतान का तांडव शुरू होता है। चौथा अध्याय से मैं इसको कनेक्ट करूंगा वहां पे।
मैं इसको कनेक्ट करूंगा, ये 4W को कनेक्ट करूंगा। मैं वापस कहता हूं कि मंडे को मिस नहीं करना। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं संडे को कंटिन्यू करूं, लेकिन चर्च स्टार्ट करना पड़ रहा है और चर्च का अलग कॉन्सेप्ट होता है, मैसेज अलग होता है, ये आप लोग सभी जानते हैं। तो वापस कहता हूं कि चौथा दिन, माफ करें, चौथा चैप्टर मंडे को ठीक 8 बजे लिखा है, शैतान का तांडव शुरू होगा। पता है क्यों? मैंने आपको फोटो दिखाया था, जैसे ही आदम बाहर निकला, जैसे ही आदम बाहर निकला इस प्लेनेट पे, तब से लेकर अब तक वो शैतान के साथ ही है, अभी भी शैतान के साथ है मानव जाति अभी भी, लेकिन कलीसिया उसमें से नहीं है, इसलिए तो उसका टारगेट कलीसिया है। आगे आप समझदार हैं, मंडे को आपको फिर आपके साथ मुलाकात होगी इसी स्टडी के साथ, जिसको कहते हैं द बुक ऑफ स्टडी, जेनेसिस की स्टडी के साथ में। लेकिन कल आपका ओपन ऑनलाइन चर्च कल है, मसीह मंथन का चर्च, जो कि 8 लैंग्वेजेस में, मैं बता चुका आपको, और इस नंबर पे आपको कॉल करना है। और साथ ही साथ जो उल्टे सीधे लोग हैं, आपको लगता है कि डैनियल राज से बात करनी है, मोस्ट वेलकम, पीठ पीछे बात नहीं करना, मुंह पे बात करना, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, यहां से हम विदा लेते हैं, आपको कल ठीक 8 बजे ऑनलाइन चर्च मिलेंगे, जो मसीह मंथन के पेज से होगा, आपको डैनियल राज के पेज से भी शेयर करेंगे। और यूट्यूब के जितने लोग अभी देख रहे हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, मसीह मंथन पेज को लाइक नहीं किया जरूर करिए, आपने मसीह मंथन टेलीग्राम को कनेक्ट नहीं हुए हैं 6 नंबर दिए, कॉल करिए, हमसे जरूर जुड़िए। ठीक 8 बजे कल फिर से आऊंगा ऑनलाइन चर्च मसीह मंथन के पेज से। अपना ख्याल रखिए, प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।